काशीपुर कोतवाली पुलिस ने आज अंग्रेजी शराब की 21 पेटियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की दस्तक पर बीते कुछ दिनों से काशीपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध शराब कारोबार से जुड़ी कई बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसते हुए काशीपुर पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसी क्रम में आज कोतवाली पुलिस ने अलीगंज रोड स्थित ढकिया गुलाबो निवासी मुकुल अस्थाना को उसके घर में रखी अंग्रेजी शराब की 21 अवैध पेटियों के साथ गिरफ्तार किया। प्राइम स्टोरी के लिए काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट। पहली बात तो ये शराब मेरी नहीं है, ये बिट्टू कैंटीन वाले की है। उसने कहा ये लाइसेंसी शराब है और मेरी कैंटीन में जगह कम पड़ गई है और जो है आप रखवा लो, बराबर में मेरा घर है कि रखवा लो, एक दो दिन की बात है, मैंने रखवा ली, पता नहीं मुझे मालूम होता ये फर्जी, मतलब फर्जी है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। काशीपुर थाने में ढकिया गुलाबो निवासी मुकुल अस्थाना नाम के एक घर व्यक्ति के घर से 21 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसमें 20 पेटियां रेडिको खेतान की हैं और एक पेटी बैकपाइपर्स की है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जा रहा है। खास बात इस मामले में ये है कि ये व्यक्ति मुकुल अस्थाना नाम के व्यक्ति, इन्होंने करीब 8-9 महीने पहले एक शराबबंदी आंदोलन किया था इसी शहर काशीपुर में और पंत पार्क में इनके द्वारा अनशन किया गया था, जिसमें उस समय तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी मेरे द्वारा स्वयं और माननीय विधायक काशीपुर श्री सीमा जी द्वारा उस स्थान पर गए और इनका अनशन तुड़वाया गया था। बाद में इनके परिजनों द्वारा अस्पताल में काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था, काफ़ी प्रतिनिधि की गई थी। शराबबंदी आंदोलन की अगुवाई से लेकर शराब माफिया बनने तक की इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में जरा खोजबीन करें और पता करें कि क्यों और कब से ये इस कार्रवाई को कर रहे हैं।